डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, बेसिक सा एक क्वेश्चन है के मैप पे। तो आप एक बार देखिए कि क्या आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। सो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए। आप करेंगे इस वीडियो को पॉज, आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और फिर उसके बाद इस वीडियो को वापस प्ले करेंगे और ये देखेंगे कि आपने जो सॉल्व किया है वो आंसर जो है वो करेक्ट है या नहीं है। और ये ऑप्शंस भी मैंने यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। सो एज्यूमिंग कि आपने वीडियो को पॉज कर दिया था, आपने अपना अटेम्प्ट कर दिया, आपने एक ने एक ऑप्शन को टिक कर दिया है, ठीक है। और अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं सो दैट आप चेक कर सके कि आपने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पे ओके, सो देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप के मैप एसओपी वाला यूज करेंगे कि पीओएस वाला यूज करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है? सर ये तो मिन टर्म्स दिया है, तो मिन टर्म्स तो सर एसओपी से कनेक्टेड है, तो एसओपी वाला के मैप यूज करना चाहिए क्या? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यह देखना है कि मिनिमाइज्ड आंसर जो आपको दिया है वो कौन से फॉर्मेट में है, तो वो पीओएस वाले फॉर्मेट में है। सो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट विल बी दी POS। अब POS के लिए आपको चाहिए मैक्स टर्म। क्यों POS हमने सेलेक्ट किया? क्योंकि ऑप्शंस POS में है। ऑप्शंस जैसे फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट वाला के मैप आपको यूज करना है। ऑप्शंस POS में है, आपको POS वाला यूज करना है। POS के लिए तो सर मैक्स टर्म्स चाहिए होते हैं, यस बिल्कुल, तो इस मिन टर्म से मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर लो। सो आपके सबसे पहले मैक्स टर्म आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो जो मिन टर्म्स नहीं होंगे वो सब मैक्स टर्म्स होंगे। सो इट मींस जीरो, उसके बाद वन यहां पे है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन यहां पे है, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन और 14, 15 यहां पे। मैक्स टर्म में आपका जो के मैप का फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ए प्लस बी, दिस विल बिकम ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, दिस इज सी प्लस डी, सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, पी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ठीक है ओके। अब मैक्स टर्म कौन कौन से हैं? वन सिक्स सेवन, सॉरी ये मैक्स टर्म ये है, जीरो इज अ मैक्स टर्म, टू इज अ मैक्स टर्म, थ्री इज अ मैक्स टर्म, फोर इज ऑल्सो अ मैक्स टर्म, फाइव इज अ मैक्स टर्म, देन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन, ये आपके मैक्स टर्म है। अब यहां पर आप देखिए, इतना भी आपको पता है कि यहां पे ऑप्शंस देख के चार क्वाड बनेंगे, फोर क्वाड्स विल बी देयर। सो ये देखिए, ये आपका हो गया क्वाड नंबर वन, ये देखिए ये आपका है क्वाड नंबर वन, चार क्वाड बनेंगे ना, दिस इज योर क्वाड नंबर टू, ये आपका क्वाड नंबर टू है। इसके बाद दो क्वाड और बनेंगे, सो आपका एक क्वाड ये होगा एंड दिस क्वाड विल बी दिस वन, तो ये आपका तीसरा क्वाड और तीसरे क्वाड के बाद ये आपका फोर्थ क्वाड। ये चार क्वाड से आपको आंसर मिल जाएगा। अब इस क्वाड का आंसर क्या है ये देखिए, तो ये जो आपने पहला क्वाड बनाया था यहां पे कॉमन है बी और बी के साथ सी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो आपने सेकेंड क्वाड बनाया था, ये जो वर्टिकल क्वाड है, दिस इज सी प्लस डी, ओके। देन आपने ये वाला जो क्वाड बनाया, थर्ड जो आपने क्वाड बनाया, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, एंड आपने ये जो फोर्थ वाला क्वाड बनाया, ये वाला जो आपने फोर्थ वाला क्वाड बनाया, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अब चेक कर लेते हैं मैच कर रहा है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस डी, ऑप्शन डी फॉर डेली इज करेक्ट। बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है, डी फॉर डेली आपने अगर बनाया था तो बिल्कुल सही है। अब हो सकता था कि ऑप्शन एसओपी के फॉर्म में होते,
ऑप्शंस अगर एसओपी के फॉर्म में होते तो हम कौन सा केमैप बनाते, हम पीओएस वाला केमैप बनाते। चलिए ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पीओएस के केमैप का जो स्ट्रक्चर है ये आपको आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट, देन सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी एंड सी डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया आपका। ओके अब आपको मिन टर्म्स दिए हुए 1, 6, 7, 14 and 15। चलिए मिक्स टर्म को कर दो। तो भाई मैक्स टर्म को मैंने जीरो से बनाया था, मिन टर्म को किससे बनाओगे, वन से बनाओगे। तो वन, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज वन, वन के बाद सिक्स एंड सेवन, सिक्स एंड सेवन के बाद 14 एंड 15, सिक्स एंड सेवन के बाद 14 एंड 15। तो यहां पे आपको मिलेगा ये क्वाड एंड ये क्वाड के बाद ये आपका सिंगल। तो ये क्वाड का आंसर क्या होगा, ये क्वाड का आंसर होगा, ये बी कॉमन है और ये सी कॉमन है, ठीक है, ये बी कॉमन है और ये सी कॉमन है। और यहां से इसका टर्म आएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट C complement D. So your minimized answer in SOP format will be BC plus A complement B complement C complement D. ये आपका answer है। हो सकता था options SOP में होते तो हम SOP वाला KMM बनाते, but यहाँ पे POS में answers थे तो मैंने पहले POS का answer बनाया और ये आपको बता दिया, ये आपका answer आ गया। ये just हमने practice के लिए किया। अब सबसे important ये है कि हमने ये सीखा कि भाई कौन सा वाला KMM use करना है, options देख के decide करना है कि किसमें पूछा है, ठीक है, वही वाला केमैप आपको सॉल्व करना है एंड दिस इज योर आंसर। यहां पे देखिए एक चीज आपको और दिखाता हूं मैं, आपके माइंड में आया होगा कि सर क्वेश्चन तो एक ही है, सर दो अलग अलग आंसर कैसे हो गए। आंसर दोनों इक्वल या इक्विवेलेंट ही है, फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है। तो ये पीओएस फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, ये एसओपी फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सर एक बार दिखा दो कि ये कैसे इक्वल है, तो ठीक है भाई चलो बिल्कुल देख लो, दो मिनट लगेगा और हम ये भी देख लेंगे कि भाई ये दोनों आंसर जो है वो इक्विवेलेंट है। दोनों को मैच करा के दिखा देता हूं आपको मैं, क्योंकि क्वेश्चन जब एक ही है तो आंसर एक ही होना चाहिए, आंसर एक ही है, ये दोनों इक्विवेलेंट ही है। आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूं, ठीक है। चलिए सो देखिए, ये हुआ आपका सी प्लस डी, इसके बाद हुआ आपका बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, इसके बाद हुआ आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और इसके बाद आपका हुआ B प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो पहले दोनों में यहां पे आपको बहुत सिंपल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में देखिए C कॉमन है तो ये हो गया C प्लस B कॉम्प्लीमेंट D, ठीक है, यहां से B कॉमन हो गया तो ये हो गया B प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया B प्लस A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, बस मल्टीप्लाई कर दो। C जब C कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, C जब B से मल्टीप्लाई होगा तो BC बचेगा, B कॉम्प्लीमेंट जब B से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, अब ये बचेगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D, ये देख लीजिए BC प्लस A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D। तो आप चाहेंगे तो ये जो POS है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं SOP में, आप चाहेंगे तो ये जो आपका SOP है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो POS में। क्वेश्चन एक ही है तो आंसर एक ही आना चाहिए, बट रिप्रेजेंटेशन जो है दो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, एक है आपका POS और एक है आपका SOP, ठीक है। थैंक यू।